देखो लास्ट टाइम कनेक्टेड मोशन स्टार्ट किया था। कनेक्टेड मोशन में ये एग्जांपल करो, सपोज एक पुली, कॉपी ओपन करो प्लीज, एक पुली, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, मास मास, और सपोज ये 15 केजी है, सपोज ये 2 केजी है। आपको सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है और इस सिस्टम की टेंशन निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो आपको इसमें ए निकालना है और टी निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी पड़ेंगी, फोर्सेस। तो फोर्सेस के अंदर पहला पॉइंट क्या है, फोर्सेस में सबसे पहले नीचे की ये वाली फोर्स, इसकी वैल्यू बोलो क्या है, 15 जी। इसकी वैल्यू क्या है, 2g। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है, ऐसे शुरू किया था हमने। इनके जो वेट है वो क्या हो गए, 15g एंड 2g। नेक्स्ट टेंशन, अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन पेयर में ऐड करेगी, एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगी, तो टेंशन TNT, यहां पर भी टेंशन TNT, तो ये टेंशन T, ये टेंशन भी T। तो साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करें प्लीज, TNT। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और A और T को सॉल्व करें, करें ट्राई। A निकालना है और T निकालना है। तो सबसे पहला काम फोर्सेस को ड्रॉ करना। तो ये फोर्सेस हैं, 15G और 2G फोर्सेस हैं। टेंशन भी एक फोर्स है, टेंशन एक स्ट्रिंग की फोर्स है, टेंशन पेयर में एक्ट करती है जैसे कि इसमें गिवन है। अब क्योंकि 15G बड़ा है और 2G छोटा है, तो 15G नीचे आएगा और 2G ऊपर आएगा, ऐसे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अब इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएटली राइट और लेफ्ट ये फोर्सेस हैं, इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्सेस हैं, ये देखो ये फोर्सेस हैं, ठीक है आदत। अब देखना ये है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो 15G बड़ा है कि T बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो 15G बड़ा है कि T बड़ा है, 15G बड़ा है। तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 15G माइनस T नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है यहां तक? और ये जो ऑब्जेक्ट 2kg है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर 2kg ऊपर जा रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी है, T बड़ा कि 2G बड़ा है? अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी है, नीचे की फोर्स छोटी है, तभी तो ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर की फोर्स बड़ी नहीं होगी तो ऊपर कैसे जाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो T बड़ा है और 2G छोटा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लो। तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, टी से टी कैंसल, 13G इज इक्वल टू 17A, ए की वैल्यू क्या आ गई, 13G डिवाइडेड बाई 17। इस ए की वैल्यू को कहीं भी ऊपर पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 15G माइनस T इज 15 इंटू ए की जगह 13G डिवाइडेड बाई 17। तो T की वैल्यू आएगी 15G माइनस 15 इंटू 13G डिवाइडेड बाई 17। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है सबको, पॉइंट सबको क्लियर है कि करना कैसे है? देखो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, मेन बात है सबसे पहली चीज़ है इसमें फोर्सेस को ड्रॉ करना। फोर्सेस ड्रॉ करके फिर इक्वेशंस बनाना। फोर्सेस गलत बन गई, इक्वेशन गलत बन गई, आंसर कभी नहीं आएगा। फोर्सेस सही बन गई, इक्वेशन सही बन गई, आंसर आ जाएगा। तो पहला ये स्टेप क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हो जाएगा ये, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करनी है, सपोज सेम क्वेश्चन है, मान लो
ये एक पुली है और इसके आसपास दो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो m2 है, इसका मास m1 है, और लेट अस सपोज ये मास नीचे जा रहा है और ये मास ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें टेंशन निकालनी है, तो सबसे पहला रूल क्या होगा इसमें, इसका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, वेट। इसका भी क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, वेट। इसका वेट है क्या, एम टू जी। इसका वेट क्या है, एम वन जी। अब इसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, टेंशन। तो ये टेंशन का वेक्टर है टी, ये एक वेक्टर है टी, तो ये रहा टी और ऐसी ये रहा टी। ये देखो टी 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 एंड टी। तो बनाओ ये डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ। तो इसे सॉल्व करके ए और टी निकालना है आपने, बनाओ ही क्वेश्चंस, सॉल्व करके ए निकालो और टी निकालो। और ये गिवन है एम टू नीचे आ रहा है और एम वन ऊपर आ रहा है, तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करके पहले ए निकालो, ए निकाल के टी निकालो। तो दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को ऐड करो तो ए आएगा। टी से टी कैंसिल करना जरूरी है, जब आप इक्वेशन बनाएंगे दोनों इक्वेशन में टी आएगा, जब ऐड करेंगे टी से टी कैंसिल होगा, अगर नहीं कैंसिल होगा आपकी इक्वेशन पक्का गलत है। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये ऊपर और नीचे की फोर्सेस हैं, ये ऊपर और नीचे की फोर्सेस हैं, ये लो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इसकी इक्वेशन बनाओ, ये एम टू कहाँ आ रहा है, नीचे, तो बताओ एम टू जी बड़ा है कि टी बड़ा है। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो एम टू जी बड़ा है कि टी बड़ा है, एम टू जी। इक्वेशन क्या बनेगी, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट एम वन कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो टी बड़ा है कि एम वन जी बड़ा है, टी बड़ा है। ऊपर आ रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी है, नीचे है तो नीचे की फोर्स बड़ी है, तो अगर ऊपर आ रहा है तो टी बड़ा है एम वन जी छोटा है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन इन टू ए, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसल, इसका मतलब मेरी क्वेश्चन एकदम सही है। तो ऐड करके A निकालो, ऐड करके जब A निकलेगा तो आंसर ये आएगा, M2 माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, आ रहा है आंसर, चेक कर लो, ऐड करो। देखो मेरे को आंसर याद है तो मैंने आंसर लिख दिया, सॉल्व नहीं किया, पर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जी को कॉमन निकालेंगे, आपके पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, और अगर आप इस एक्सेलेरेशन को किसी भी इक्वेशन ऊपर पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी। टी की क्या वैल्यू आ रही है, टी की वैल्यू आ रही होगी 2 एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये बस सोचो कि मेरे को ओरली सॉल्व करना आता है, मेरे को आंसर याद है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, मेरे को ये फॉर्मूला याद है, टेंशन का ये फॉर्मूला आएगा। तो आज के बाद अगर मान लो एक पुली और दो मासेज हैं तो आपको ये बनाने की जरूरत क्या, इक्वेशन आपको शॉर्टकट ही कर लो ना। एक्सेलेरेशन देखो कैसे निकल रही है, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सेलेरेशन को ध्यान से देखना। एक्सेलेरेशन को अगर मैं ओपन करूँ तो क्या आ रहा है, एम टू जी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। देखो बिना इक्वेशन के एक्सेलेरेशन का शॉर्टकट कैसे आएगा। इन पूरे सिस्टम में दो फोर्सेज हैं, एक m2g और एक m1g, जो सिस्टम को मूव करवा रही है। m2g बड़ा है, m1g छोटा है, नेट फोर्स कितनी है, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें, बड़ी फोर्स कौन है m2g, छोटा वेट कौन है m1g, तो नेट फोर्स कितनी है m2g माइनस m1g।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितनी हुई, बड़ा वेट माइनस छोटा वेट, ओरली लिख रहा हूं, बड़ा वेट माइनस छोटा वेट डिवाइडेड बाय नेट फोर्स बाय टोटल मास। क्या है सिस्टम में टोटल मास की वैल्यू कितनी है, m1 प्लस m2, शॉर्टकट आ गया। तो आज के बाद इक्वेशन बनाने की जरूरत क्या है, अगर मान लो ये 7 किलो है, ये 2 किलो है, तो 7g माइनस 2g डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 आंसर। एक्सेलरेशन 1 मिनट में आती है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओरल फॉर्मूला समझ में आ रहा है। इस मशीन को, इस पुली सिस्टम को एटवुड मशीन भी बोला जाता है, एटवुड मशीन। तो एटवुड मशीन के अंदर वो पूछेगा एक्सेलरेशन निकालो, एटवुड मशीन या पुली सिस्टम एक ही बात है। तो आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट के अंदर जहां फॉर्मूलाज लिख रहे हैं उसमें ये डायग्राम बनाएं, डायग्राम के सामने ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, शॉर्टकट एक्सेलरेशन का, और टेंशन का ये याद होना चाहिए, टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2g / m1 + m2। क्योंकि जब दो मासेस आएंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर तो इतना समय नहीं है कि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, आप सीधा आंसर मार्क कर देना 2m1 m2g / m1 + m2। ये फॉर्मूलाज को नोट कर लें, एक्सेलरेशन भी और टेंशन भी। डायग्राम बनाना ना भूलें, क्योंकि आप भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद ये किस डायग्राम का फॉर्मूला था। तो डायग्राम बनाएं और साथ में दोनों फॉर्मूला लिखें, एक्सेलरेशन भी और टेंशन भी। कोई डाउट इसमें, तो एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूले को नोट करें। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखें, इसे मैं क्या करने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और स्ट्रिंग है, अगर आप ध्यान से देखें, एक और रस्सी दिख रही है मुझे, कहां पे, ये देखो यहां पे, पुली के ऊपर वाले हिस्से पे भी एक रस्सी लटक रही है, ये रही। क्वेश्चन है इसमें टेंशन निकालना है, ये तो खिंच जाएगी ना, अगर मैं हाथ से पकड़ लूं इस सिस्टम को और पुली तो अपने एक्सिस पे घूम ही रही है, तो जो रस्सी टॉप के पॉइंट पर पकड़ी हुई है या टंगी हुई है वो खिंच जाएगी, उसमें टेंशन निकालनी है, क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया, तो अब की बार मुझे टेंशन कहां निकालनी है, इसमें निकालनी है, इसमें। तो पहला रूल ये बताओ, क्या ये वाली रस्सी की टेंशन और इस रस्सी की टेंशन सेम होगी कि डिफरेंट होगी। दो रस्सी दो टेंशन, अलग अलग टेंशन होगी, एक रस्सी तो एक ही टेंशन, मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। तो ये सोचे भी ना कि टेंशन ये वाली और यहां पर सेम हो जाएगी, बिल्कुल भी सेम नहीं होगी। तो मान लेते हैं यहां पर टेंशन हो जाएगी T' एंड T', लेकिन होगी पेयर में, होती पेयर में ही है। तो T' एंड T', यानी कि इस पुली ने छत को खींचा, छत ने पुली को खींचा, तो रस्सी में टेंशन आ गई T' एंड T' बनाए साथ साथ बनाए T' एंड T'। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को T' की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी। हाँ, फॉर्मूला रजिस्टर में लिखना है इसे T' एंड T'। ठीक है, ये T' निकालने के लिए ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। इस T' निकालने के लिए पहले इसको हटा देता हूं, एक सेकेंड, ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, T' निकालने के लिए मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इमीडिएटली लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे की फोर्सेस को ड्रॉ करना इस फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बन गई पुली, पुली के इमीडिएटली नीचे की तरफ कौन सी दो फोर्सेस हैं, T एंड T, चेक करो T एंड T, ये रे, बाकी तो नीचे चली गई। तो इमीडिएटली नीचे T एंड T, और इमीडिएटली ऊपर कौन सी है,
टी डैश बना लें, टी डैश, तो पुली अलग से बनाएं, तो पुली के ऊपर की फोर्स है टी डैश, पुली के नीचे कौन सी दो फोर्सेज हैं टी एंड टी, ठीक है। अब मुझे एक चीज का आंसर दें, पुली खड़ी खड़ी घूम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, खड़ी खड़ी घूम रही है, पुली का मास तो हम लेते नहीं, पुली मासलेस है, रस्सी भी मासलेस है, ये तो रूल मैंने लास्ट में बता दिया था, क्या ये पुली ऊपर नीचे जा रही है, हाँ या ना, क्या ये पुली ऊपर नीचे जा रही है, हाँ या ना, जब ये मासेस घूम रहे हैं तो पुली खड़ी खड़ी तो घूम रही है, क्या ऐसे भी जा रही है, नहीं जा रही, तो यानी कि एक जगह पे स्टेशनरी है, स्टेशनरी होके घूम रही है, तो अगर ये रेस्ट पे है, है ना, मतलब ठीक है ट्रांसलेशन मोशन में रेस्ट पे, रोटेशन मोशन में कोई बात नहीं छोड़ दो, घूमने दो उसे, ट्रांसलेशन मोशन में तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं आ रही, और अगर ऊपर नीचे नहीं आ रही तो नेट फोर्स पुली पे क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर कोई ये पेन ना ऊपर आ रहा है ना नीचे आ रहा है, और जबकि इस पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं F1 भी और F2 भी, और फिर भी ये ऊपर नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब ऊपर की फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय नीचे की फोर्स, तभी ये ऊपर नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि पुली भी ऊपर नीचे ट्रांसलेशन मोशन में तो है नहीं, तो ऊपर की फोर्स पुली की क्या है, टी डैश, नीचे की फोर्स क्या है, टी प्लस टी टू टी, टी प्लस टी टू टी, तो टी डैश का फॉर्मूला क्या बन गया, टू टी। तो याद रखना एक शॉर्टकट, पुली के इस हिस्से में जो टेंशन होती है वो इन हिस्से की टेंशन से हमेशा डबल होती है, ये शॉर्टकट है, तो अगर आप ये टेंशन निकाल लें तो उस हिस्से की टेंशन डबल कर दें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टी डैश का, टी का फॉर्मूला हमारे पास है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है, यहां पर टेंशन भी पूरी क्लियर है, अगर रस्सी नीचे रस्सी में टेंशन इतनी है तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन डबल हो जाएगी, कोई डाउट इसमें, इस टेंशन को जो ऊपर वाली रस्सी में क्रिएट होती है इसको बोलते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट ऑन पुली, तो ये नोट कर लें, पेपर में आता होता है फाइंड थ्रस्ट ऑन पुली, तो थ्रस्ट ऑन पुली में यानी कि इस हिस्से की टेंशन पूछ रहा है, इसे बोलते हैं थ्रस्ट ऑन पुली, तो मेरे से ये ना पूछे पेपर में सर ये थ्रस्ट क्या होता है, पुली का थ्रस्ट टी डैश है जो कि 2 × T के इक्वल है, और टी का फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो 2T का फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया, बातें खत्म होगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, क्लियर है यहां तक, चेक करो प्लीज, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है। तो देखो ये कुछ करने के बाद पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है एग्जामिनेशन में पेपर में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा, उसने कहा ठीक है देखो ये पुली है, ये पुली को यहां से टांग दिया, यहां एक मास लगाया M1, एक मास लगाया M2, M2 बढ़ा है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन। लेकिन साथ ही एक और क्वेश्चन आया, ये इकट्ठा आया, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे हैं, सेकेंड केस में मास M1 है और यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दी M2G और ये ब्लॉक ऊपर चला गया, तो आपको ऊपर आने की एक्सेलरेशन बतानी है, ये क्वेश्चन है, मतलब दो डायग्राम है दोनों में एक्सेलरेशन बतानी है सिस्टम की, ये तो मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया अभी, आपको दिया अभी फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला था, बड़ा वेट, बड़ा वेट कितना है M2G, छोटा वेट कितना है M1G, नेट वेट कितना है, दोनों को माइनस कर लो डिवाइडेड बाय टोटल मास, कोई डाउट इसमें, तो ठीक है लिख लो ये फिर अपनी कॉपी पे, तो पहला डायग्राम बना लो, दादर बनाए हुए हैं इसको क्या बनाना है, दूसरा डायग्राम बना लो सीधा, ये तो बनाए हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बोलो बोलो, कोई बोलना चाहता है बोलो,
एक्सलेशन एम टू जी, हाँ एम टू जी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स डिवाइडेड बाय एम टू नी एम टू नी एम वन, बिल्कुल सही एम वन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर तो मास लगा ही नहीं हुआ, मास तो बॉक्स तो सिर्फ एक ही लगा हुआ है एम वन। आपको कह सर दिख तो रहा है मास, देखो ये मास नहीं है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है। मैं तुम्हें ये फोर्स 10 न्यूटन दे सकता था, पर मैंने जानबूझ के M2 की फॉर्म में दी ताकि M2 इनटू G के इक्वल ये फोर्स है, ताकि तुम्हारे मन में आए कि ये तो मास लगा हुआ है। ये मास नहीं लगा हुआ, रस्सी को सीधा खींचा जा रहा है, मास सिर्फ सिस्टम में एक ही लगा हुआ है M1। तो इसलिए नेट फोर्स बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करना ही करना है, डिवाइडेड बाय मास सिर्फ एक लगा हुआ है कितना M1, तो इसको M1 से डिवाइड करना है। ये फोर्स है जो वेट के इक्वलेंट है, M2G के इक्वलेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मास M2 लगा हुआ है। इसकी वैल्यू अगर मैं 10 न्यूटन देता तो आप यहाँ 10 न्यूटन पुट कर लेते, सिंपल। फिर आप मुझसे ये ना पूछते कि इसमें मास लगा है कि नहीं लगा। तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास में आपको यहाँ कितने ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक M1। आप कहेंगे यहाँ मास है ही नहीं, मैं कहता तो रहूँ तो M1 आएगा। अगर यहाँ भी मास होता फिर यहाँ का मास भी आता, पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ का मास है तो M1 आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पर कई बच्चों को अभी भी तसल्ली होती नहीं, सच बताऊँ मेरे को भी नहीं हुई। मैं सोचा यार एक नई तरीके से निकालें, तो ऐसा नहीं है आप अकेले स्टूडेंट नहीं है, मैं भी जब पहली बार करूँगा मैं भी सोचूंगा यार, घर जाके सोचूंगा M2 लगा तो हुआ था, लिया क्यों नहीं। चलो मैं इसका मेथड नंबर 2 बताता हूँ सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है, लेकिन मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 कैसे? जैसे मैं नॉर्मली टेंशन लेके करता हूँ, करे स्टार्ट, बोलो यहाँ पर वेट क्या है M1G, टेंशन यहाँ पे टेंशन क्या है T, यहाँ पे टेंशन क्या है T, यहाँ पे टेंशन क्या है T, और यहाँ पे टेंशन क्या है T, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना रूल लगाने जा रहा हूँ जैसे मैं नॉर्मल क्वेश्चन को करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। इक्वेशन बोलो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा, T बड़ा कि M1G बड़ा? T बड़ा, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स M2G, ऊपर की फोर्स T, तो M2G माइनस T इज मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ यहां कितना मास नजर आ रहा है आपको? है ही नहीं, कहां है बक्सा, है ही नहीं। तो आपने नीचे की फोर्स ली माइनस ऊपर की फोर्स ली इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करने लगे तो मास तो है ही नहीं, तो जीरो पुट कर दो, तो T किसके इक्वल आ गया? M2G। इस T को उठा के यहां पे पुट कर दो तो M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, तो A की वैल्यू आ गई M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1, जो भी हमने शॉर्टकट लगाया था सेम टू सेम आंसर आ गया। आपकी मर्जी है, आपको मेथड 2 पसंद है, मेथड 1 पसंद है, आप ओरली कर सकते हो, आपकी मर्जी, आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आपको ये हिंट या मेथड समझ में आ गया कि क्या करना है इसमें? आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को याद तो कर ही सकते ना, क्या करेंगे याद इसको बैठ के? ये तो अंडरस्टैंडिंग है, टोटल अंडरस्टैंडिंग है। आपको एक बार ये पुलिस का सिस्टम बनाना आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बनाते रहो, टेंशन बनाते रहो, बड़ी में छोटी फोर्स माइनस करते रहो, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो।
कौन सी चाहिए? यहाँ भी जाते हुए यहाँ तक क्लियर है? आज सब ऐसे ही चलेगा सारा लेक्चर, कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये लो। सपोज एक पुली, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, तीन मासेस हैं। ये 2 kg है, ये 5 kg है, ये 3 kg है। आपको बताना है ये सिस्टम नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या है और स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या है, ये क्वेश्चन है। बनाओ डायग्राम। मैं कराऊंगा, रुक जाओ, रुको, मैं इसको एक एक करके आंसर देना, ठीक है? डायग्राम बना लिया सबने? एक एक करके आंसर दो। पहला आंसर दो, क्या, अच्छा इसका वेट क्या है? 2g। कहाँ करेगा? नीचे। तो ये रहा 2g। इसका वेट क्या है? 5g। कहाँ करेगा? नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5g। इसका वेट क्या है? 3g। कहाँ करेगा? नीचे। इसका वेट क्या है? 3g। ये डायग्राम बनाओ प्लीज, पहले तीनों के तीनों वेट बनाओ साथ साथ, ये वेट बनाओ। बन गए वेट। अब ये बताओ इसमें कितनी, ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, क्या इनमें टेंशन सेम है या डिफरेंट है? दो अलग अलग रस्सी है तो टेंशन डिफरेंट होगी। रादर इसमें तो तीन तीन स्ट्रिंग दिख रही है मेरे को, एक तो ऊपर भी लगी हुई है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट, डिफरेंट और डिफरेंट। चलो बताओ इसके अंदर टेंशन के वेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं। टेंशन यहाँ पे TNT, तो ड्रॉ कर लें TNT, यहाँ पर भी TNT, TNT, रहेगी पेयर में, रहेगी सेम पर रहेगी पेयर में TNT, बना लें। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, यहां पे टेंशन डिफरेंट, तो यहां पे टेंशन कैसे बनेगी? एक नीचे बनेगी तो एक इक्वल एंड ऑपोजिट ऊपर बनेगी, T' एंड T' बना लें, T' एंड T' यहां डिफरेंट लेनी पड़ेगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ऊपर TNT, नीचे T' T' 5G लग रहे हैं, तो 5G भी है, T' भी है, हाँ दोनों है, हाँ प्लस होंगे। अब बात है फ्री बॉडी डायग्राम की। देखो फ्री बॉडी डायग्राम में, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएटली ऊपर और नीचे ये दो फोर्सेस आएंगी, ध्यान से ये देखो जरा, बस ये रहा। तो पहला डायग्राम क्लियर है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएटली ऊपर और नीचे की फोर्सेस, 5 kg के डायग्राम में इमीडिएटली ऊपर कौन सी फोर्स है? टी, और नीचे कौन सी फोर्स है? 5G भी है। और तो फिर दोनों को इंक्लूड करेंगे कुछ ऐसे, ये लो, देख रहे हो ये डायग्राम? तो इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो ऊपर टी और नीचे 5G और T' है, कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? क्योंकि इस 5 kg के नीचे T' भी है और 5 kg के नीचे साहब खुद का वेट 5G भी है। 3 kg के लिए ऊपर क्या है? T' है, नीचे क्या है? 3G है। तीन डायग्राम बन गए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तीन ब्लॉक्स हैं, तीन इक्वेशन बनेंगे। ये ध्यान से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती से एक फोर्स भी रह गई और आपने डायग्राम में एक फोर्स को छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? पहले देख लो, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इक्वेशन बोलो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो कौन सी फोर्स बड़ी? टी की 2G। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस 2G इज इक्वल टू 2 × A, इक्वेशन नंबर 1। तो क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा है और 2G छोटा है, तो टी माइनस 2G इज 2A।
क्या स्टेप क्लियर है? अच्छा ये बताओ 5 kg का ब्लॉक कहाँ आ रहा है, ऊपर कि नीचे? नीचे आ रहा है। तो कौन सी फोर्सेस बड़ी, नीचे वाली कि ऊपर वाली? नीचे वाली। कौन सी फोर्सेस नजर आ रही है? 5G और टी डैश। तो 5G प्लस टी डैश माइनस ऊपर की फोर्स कितनी है टी, इज इक्वल टू 5 × A। क्या स्टेप क्लियर है? नीचे की फोर्सेस 5G प्लस टी डैश माइनस ऊपर की फोर्स टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? लास्ट इक्वेशन बोलो, 3G कहां आ रहा है? नीचे। तो कौन सी फोर्स बड़ी है, 3G की टी डैश? 3G। इक्वेशन बोलो, 3G माइनस टी डैश इज 3 × A। जब आप इक्वेशन बनाएं और इन्हें सॉल्व करें, आप हो सकता है आपको ना मालूम पड़े कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे, अगर टी बच गया या टी डैश बच गया, आगे मत सॉल्व करना, फिर चेक कर लेना, पता लग जाता है इक्वेशन गलत है। क्योंकि जब मैंने ऐड किया तो टी से टी डैश से टी से टी डैश कैंसिल, मेरी इक्वेशन सारी सही है इसका मतलब। तो 5G प्लस 3G 8G माइनस 2G 6G इज इक्वल टू 10A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 6G डिवाइडेड बाय 10। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो एक्सेलेरेशन आ गई, एक्सेलेरेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे टी डैश आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो टी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा, टी डैश भी आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये समझ में आ रहा है कि दो ब्लॉक्स हो, तीन ब्लॉक्स हो, चार ब्लॉक्स हो, फर्क ही क्या पड़ता है, बनाते जाओ T1 टेंशन, दो रस्सियाँ दो टेंशन लेना, तीन स्ट्रिंग्स हैं तीन टेंशन लेना, तीन तक आता नहीं है, दो तक मैक्स है, इससे ऊपर नहीं आता। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बुक्स में जब बहुत कुछ गिवन होगा, इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है। पुराने पेपर खोल के देखोगे, पुलिस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक?